आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं पेनास त्यागी और हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास शो वर्ल्ड वैक्सीन कॉन्क्लेव। कोरोना वैक्सीन पर हर सवाल का जवाब आज आप इस शो के जरिए देख सकते हैं। कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर होगी, किस देश की वैक्सीन सबसे कारगर होगी, हिंदुस्तान में कब तक मिलेगी, कितनी डोज लगवानी होगी, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे उन डॉक्टर से जहां वैक्सीन बन रही है। वहां के डॉक्टर्स सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। रूस अमेरिका ब्रिटेन के डॉक्टर होंगे, हमारे साथ हिंदुस्तान के भी डॉक्टर होंगे जो बताएंगे यहां कब तक वैक्सीन पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन पर इंटरनेशनल कवरेज देखिए न्यूज नेशन पर। बड़े डॉक्टर से सुनिए वैक्सीन का अपडेट और कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में करीब 6 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके, वो वायरस जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी बीमार कर दी, उस किलर वायरस के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया को एक नहीं, चार चार भरोसेमंद वैक्सीन मिलने वाली। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक का अंतरिम एफिकेसी डेटा सामने आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्ना की। दावा कि ये वैक्सीन 94.5% असरदार है। ये वैक्सीन दिसंबर तक आएगी और इसकी कीमत 1850 से 2750 रुपए के बीच होगी। वहीं फाइजर वैक्सीन के 95% असरदार होने का दावा है। ये वैक्सीन भी दिसंबर तक आएगी और इसकी कीमत 1400 रुपए तक होगी, जबकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 90% तक असरदार है और इस वैक्सीन के फरवरी तक आने की संभावना है और इसकी कीमत 500 से 600 रुपए के बीच होगी। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 95% असरदार मिली, वैक्सीन करीब $20 में उपलब्ध होगी। हम आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज जरूरी होंगे, लेकिन जब तक टीका नहीं आता तब तक सभी को मास्क और 2 गज की दूरी वाली सावधानी बरतनी होगी। हमारी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। भारत में प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने की तैयारी। खबरों के मुताबिक इस हाई प्रायोरिटी ग्रुप में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें SMS के जरिए टीकाकरण की तारीख, समय और जगह बता दी जाएगी। पहली डोज दी जाने के बाद दूसरी डोज के लिए SMS भेजा जाएगा, जिसे टीका लगाया जाएगा उसे सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जाहिर है साल 2021 के शुरुआती महीनों में भारत के पास भी वो हथियार आ जाएंगे जिसके जरिए कोरोना वायरस से मुकाबला किया जा सकेगा। मगर कोरोना का कौन सा टीका बेहतर है, भारत के लिहाज से कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी, ये वैक्सीन कैसे काम करेगी, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होंगे, आज इन सवालों का जवाब आपको न्यूज नेशन पर वर्ल्ड वैक्सीन कॉन्क्लेव में मिलेगा, जहां रूस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे उन बड़े देशों के बड़े डॉक्टर वैक्सीन पर भी सवालों का जवाब देंगे जहां ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो हमारे वर्ल्ड वैक्सीन कॉन्क्लेव में हर उस देश से डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं जहां पर वैक्सीन बन रही है और बेहद कारगर स्टेज पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार लंदन से लाइव जुड़ेंगे, डॉक्टर संपत शिवांगी हमारे साथ वॉशिंगटन से होंगी, डॉक्टर मनीष वगासी हमारे साथ मॉस्को से जुड़ रहे हैं और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ दिल्ली से हैं। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि मॉस्को की जो वैक्सीन थी आई सबसे पहले, लेकिन उस पर भरोसा करने में सबने हिचकिचाहट दिखाई, ऐसा क्यों? और एक बार फिर इस वैक्सीन में दम भरा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है इसका जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा निकल कर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, जहां तक स्पुतनिक 5 की बात है, नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल मिस सेना जी, पैनलिस्ट हियर इन द कॉन्क्लेव एंड टू द व्यूअर्स। जहां तक भरोसे की बात है स्पुतनिक 5 पे, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन बना है 2 डबल वेक्टर वायरस के जो 2 वेक्टर से डिफरेंट वेक्टर उसके बेस पे वैक्सीन बना हुआ है। इसका जो एफिकेसी अभी जो लेटेस्ट इसका एनालिसिस हुआ था क्लिनिकल ट्रायल्स का, उसमें मोर देन 95% पाया गया हुआ है। बट जो वेस्टर्न मीडिया है इसके अगेंस्ट काफी कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं कि इसका एफिकेसी कैसा रहेगा, क्योंकि रशिया ने अभी तक क्लिनिकल डेटा प्रोवाइड नहीं किए हैं जो कि बाकी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन लोगों ने जो किया हुआ है। बट मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो साइंस है वायरोलॉजी में वो बहुत एडवांस है और आज की डेट में नहीं, बहुत पुराने टाइम से है।
और जो ये इंस्टीट्यूट है ग्रामीण इंस्टीट्यूट जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो बेबोला का सेकंड कंट्रीज में जब जो वैक्सीन बनाया गया था वो बहुत ही सबसे मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल वैक्सीन से एक था वो, और वो भी सेम वेक्टर बेस पे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। तो ये तो सवाल है ही नहीं कि रशियन वैक्सीन से कितनी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उससे तो कोई डाउट है ही नहीं। और वर्ल्ड मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है द लैंसेट करके, उन्होंने भी क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट है वो पब्लिश किए हुए हैं वैक्सीन के बारे में। तो इतने अगर रेप्यूटेड जर्नल में इनके जो रिजल्ट अगर पब्लिश होते हैं तो दैट मीन्स की इट इज ऑब्वियसली ऑल जेन्युइन एंड ऑल रिलायबल डेटा। जी, तो क्या हिंदुस्तान को जब ये वैक्सीन ऑफर हुई थी तब उसके बाद सरकार की तरफ से हिचकिचाहट थी इस वैक्सीन को उस वक्त लेने में, अब जब रिवाइज रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं कुछ और भरोसा जगा है, तो क्या हिंदुस्तान आने का इस वैक्सीन का रास्ता साफ हो गया है? और आप क्योंकि हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगी कि हिंदुस्तान की जो कंडीशंस हैं उसमें इसकी फिजिबिलिटी क्या है? देखिए मैं एक चीज और बता दूं, इसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5। इसका नाम स्पुतनिक 5 इसलिए रखा गया है कि जब रशिया ने सबसे फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था स्पुतनिक 5, और वो लॉन्च करने के बाद पूरी दुनिया में स्पेस रिसर्च में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आया था, और आज की डेट तक रशिया उसमें डोमिनेट कर रहा है टिल द डेट। तो जब रशिया ने ये वैक्सीन सबसे पहले दुनिया में लॉन्च किया था ऑगस्ट में, जब पहली बार रजिस्टर्ड हुआ द वेरी फर्स्ट वैक्सीन टू बी रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड वॉज स्पुतनिक 5। तो रशिया ने उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस वैक्सीन को लॉन्च किया था कि जैसे ही स्पेस रिवोल्यूशन आया था स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद, इसी तरह रशिया खुद चाहता है, और जो प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही हिमसेल्फ इज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है वही जैसा स्पेस रिवोल्यूशन आया था उसी तरह वैक्सीन में और मेडिकल फील्ड में इतना ही बड़ा रिवोल्यूशन लाएगा इसके बाद आने वाले टाइम के अंदर। तो शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ थोड़ा सोच रही थी कि टाई अप करना है कि नहीं करना है, कुछ उनके नेगोशिएशन चल रहे थे, जिसमें दिक्कत ये आ रही थी कि रशियन जो पार्टनर्स थे जो इन्वेस्टमेंट फंड है जो वैक्सीन प्रोजेक्ट को पूरा बैकअप करता है फंडिंग फाइनेंशियल टर्म्स में, और इसको जो प्रमोट करा है वर्ल्ड ओवर, तो उनके कुछ टर्म्स थे कि जो क्लिनिकल डेटा है रशिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं तो इनकी डिमांड थी रशियन साइड से कि इसमें से कुछ डेटाज को कंसिडर किया जाए ताकि अगर इंडिया में इनको लॉन्च करना है तो वो टाइम सेविंग किया जा सकता है, जो इंडिया में लॉन्च करने का प्रोसेस है उसको स्पीडअप किया जाता है अगर ये कुछ क्लिनिकल डेटाज को इंडियन साइड जो रेगुलेटरी साइड को कंसिडर करती है। तो शायद मेरे हिसाब से भी कुछ पिछले 2-4 दिनों में जो डिस्कशन हो रहे थे इंडियन गवर्नमेंट और जो रशियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनके बीच में, वो शायद सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल में एंटर हो चुका है स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो। तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडियन मार्केट में भी इसको ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए, जल्द से जल्द अगर हम सोचे तो फरवरी तक ये अगर लॉन्च कर सकते हैं चाहे तो। जी चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब स्थितियां हिंदुस्तान के साथ भी ये वैक्सीन आ सकती है स्पुतनिक 5। डॉक्टर नरेंद्र कुमार लंदन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीदें जो हिंदुस्तान के क्लाइमेट कॉस्ट और तमाम फैक्टर्स को अगर देखा जाए उस लिहाज से सबसे ज्यादा उम्मीदें जो थी वो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर थी। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, एक तो अपडेट चाहेंगे कि ये वैक्सीन कब तक बाजार में आ सकती है और कब तक हिंदुस्तान में आएगी और कितनी मुफीद रहेगी हिंदुस्तान के लिहाज से? बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद न्यूज नेशन के दर्शकों को मुझसे जुड़ने के लिए। आपने ये बहुत बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा और ये बोला, जैसे कि हमारे पास अभी भी हम लोगों को एक चीज जानना चाहिए, मोर देन 110 प्रोडक्ट्स, 110 दवाइयां वैक्सीन मिला के अगर हम लोग जो कि अभी कोशिश किए जा रहे हैं पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है जब अगर हम पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये यूजफुल रहेंगे या नहीं, व्हाट अबाउट देयर साइड इफेक्ट्स पैरामीटर्स एज वेल, क्या इनको अच्छे से टेस्टिंग किया गया है कि नहीं। तो अभी तक हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑक्सफोर्ड का यूनिवर्सिटी का जो एस्ट्राजेनेका के साथ में किया गया है, दूसरा जो मॉडर्ना हम जानते हैं फाइजर बायो एनटेक के साथ में है, और लास्ट ऑप्शन है स्पुतनिक का। तो ऑक्सफोर्ड के साथ में सबसे एक बढ़िया बात क्या रही है जिसके कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया
क्यों इसके तरफ देखते हैं। हम लोगों को एक कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि हमारा देश, भारत देश मेजॉरिटी तरीके से एक वार्म कंट्री है, तो वहां पे जो कहते हैं एंड स्टेज तक क्या वो वैक्सीन सेफली डिलीवर किया जा सकता है कि नहीं, और उसी में ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल फाइजर के लिए बोला जा रहा है कि -70 डिग्री तक वो फ्रोजन उतना में होना चाहिए, दिक्कत उसकी ये होती है। फिर इसी तरह मॉडर्ना के लिए -20 डिग्रीज, तो हम लोग नॉर्मल रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में, मगर जब इतना लोअर हम लोग सोचते हैं तो वहीं पे दिक्कत होती है। स्पुतनिक के साथ और एक और दिक्कत क्या हो रही है कि जो क्लिनिकल डेटा है बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, और वहीं पे हमारा एडवांटेज आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन का। तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर जस्ट नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर -2 to -8 डिग्री पे आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसकी जो इस्तेमाल करने की विधि भी है वो भी काफी अच्छी है, और जो क्लिनिकल डेटा सबसे काफी नजदीक में आया है। तो क्लिनिकल डेटा हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और भारत के लिहाज से मुफीद हो, तो ये वैक्सीन आपको मुफीद नजर आती है। डॉक्टर रवि मलिक, आपने दोनों को सुना और तमाम जो दूसरी कंपनीज वैक्सीन बना रही है उसके बारे में भी हर अपडेट आपके पास होगा। हिंदुस्तान के लिहाज से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किस वैक्सीन से नजर आती है, क्यों, और कब तक, अगर बतौर डॉक्टर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि कब तक एक आम हिंदुस्तानी उम्मीद कर सकता है कि उसे वैक्सीन लग सकती है या बाजार में उपलब्ध हो सकती है? हिंदुस्तान जो है जल्दी से जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे वैक्सीन लेने की। नंबर वन जो प्लेयर जिससे कि हमें काफी उम्मीद है वो ये ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक ये सब मिलके इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। 26,000 वॉलंटियर्स के करीब के ऊपर ट्रायल्स भी शुरू हो चुका है और शुरुआती दौर के जो रिजल्ट्स हैं बड़े अच्छे आए हैं, तो ये वैक्सीन वेल सूटेड है। देखिए, कोई भी वैक्सीन को हिंदुस्तान में लाने से पहले हमें चार फैक्टर्स को देखना बड़ा जरूरी है। नंबर वन, उसकी एफिकेसी क्या है, नंबर टू, उसके साइड इफेक्ट क्या है, नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉस्ट क्या है, और नंबर फोर, उसकी टेम्परेचर की वायबिलिटी क्या है। अब अगर कोई वैक्सीन जो -70 डिग्री, जैसे फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री के ऊपर वायबल है, वो शायद हम दूर दराज के इलाकों पर नहीं पहुंचा पाएंगे। -70 डिग्री जो है वो हमारे रेफ्रिजरेटर के ऊपर का जो फ्रीजर है उसका टेम्परेचर भी नहीं होता। -70 जो है बहुत ज्यादा, उसके ऊपर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना या हमारे दूर दराज के इलाके में हमारे गर्म देश में पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो हमें चार चीजों के ऊपर देखना बड़ा जरूरी है। तो इन चारों चीजों को जो मैच करती हुई चीज है वो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, जो कि मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी, उसकी टेम्परेचर वायबिलिटी भी ठीक रहेगी और वो इफेक्टिव भी है, और साथ में साइड इफेक्ट सभी पता चल जाएंगे जो 26,000 वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट होगा। सेकेंड वैक्सीन जो लाइन में है वो फाइजर है, मॉडर्ना है। मॉडर्ना और फाइजर में भी मैं आपको डिफरेंस बता दूं, मॉडर्ना फाइजर से थोड़ी पीछे चल रही है, क्योंकि मॉडर्ना में 2 डोजेज 6 हफ्ते के अपार्ट दी जाती है और फाइजर में 3 हफ्ते के अपार्ट दी जाती है, तो शायद इनकी स्टडी थोड़ी सी पीछे चल रही है। लेकिन फाइजर सेकेंड ऑप्शन है, लेकिन फाइजर में यही टेम्परेचर की दिक्कत आएगी। तीसरी जो ऑप्शन हमारे पास में है वो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो रशियन वैक्सीन है, जिसके की ट्रायल्स इंडिया में शुरू होने हैं, और वो भी जो वैक्सीन है एक अच्छा विकल्प है, जिसकी कॉस्ट भी शायद ठीक रहेगी और उसका टेम्परेचर भी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड का बता रहे हैं कि जिसमें कि उसको स्टोर और ये कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि जो भी वैक्सीन आएगी उसको मास प्रोडक्शन में 1,300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, कोल्ड चेन हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इन लाइन होनी चाहिए, और ताकि हम इन सबको दे सकें। तो अगर 2 करोड़ 4 करोड़ हमें कहीं से वैक्सीन मिलती नहीं है तो हमारे 130 करोड़ के देश के लिए कम पड़ेंगी, इसलिए हमारे को मल्टीपल हो सकता है, हमें स्पुतनिक से भी लेनी पड़े, फाइजर से भी लेनी पड़े, और जी हो सकता है कि हम अलग अलग कंपनी से वैक्सीन लें, क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा है कि कितना जल्दी हम वैक्सीन प्रोवाइड करा सकेंगे एक बार फाइनलाइज करने के बाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े और वैक्सीन को लेकर जो तमाम सवाल थे लोगों के जहन में उसका जवाब दिया, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और कोरोना अब इस दुनिया को अलविदा कह जाए, क्योंकि इसने वैसे ही अर्थव्यवस्था से लेकर इंसानियत का बहुत नुकसान कर दिया है।